Love is love. Love is love. Adios. नौ जनवरी हफ्ते का दिन है और आज हम जा रहे हैं बाहर डिनर करने और ये डिनर है बर्थडे डिनर और मेरी सालगिरह नहीं है एक्चुअली अदीला भाभी की सालगिरह है और सालगिरह एक्चुअली कल है और हम डिनर पे आज इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये जो इशा है ये सुबह जा रही है वापस बर्गेन फाइनली तो हुआ कुछ यूं कि जो सालगिरह एक्चुअली वो हमें सरप्राइज मिल चुका है मुझे भी और अदीला को भी बाकी सब घर वालों ने सरप्राइज कर दिया बर्थडे का और वो फुटेज मेरे पास मौजूद है लेकिन वो मैं इस व्लॉग में नहीं डालूंगा वो मैं अगले व्लॉग में डालूंगा जिसमें मेरी सालगिरह होगी हाँ अबू बकर सुनाओ ठीक ठाक आप बहुत बहुत मुबारक हो नया मोबाइल खरीद लिया तुमने बस दिखाओ जरा कौन सा है वैसे ये आईफोन 12 प्रो कल ही इसके पास ये नया मोबाइल आया तो कैसा लग रहा है मज़ा आ रहा है या नहीं फिर मुझे कब ले के दोगे तुम्हें पसंद ही नहीं आईफोन ले दो फिर मैं बेच के कोई और ले लूँगा ये क्या हो रहा है इधर तैयारी किस चीज़ की तैयारी डिनर की तैयारी तो ये मेरा कमरा क्या इस वक्त ब्यूटी पार्लर बना हुआ हाँ जी बड़े तैयार शहर हैं किधर जा रहे हैं आज जा रहे हैं हम जरा खाना खाने बाहर कौन से रेस्टोरेंट का इंतखाब हुआ ये तो मुझे नहीं पता आपका पता आपने फ़ोन किया था उनको हाँ मैंने फ़ोन किया था कि मुझे उनका नाम नहीं याद रहा अब जाऊँगा तो पता चलेगा गाड़ी कहाँ लेके जाती है देखते हैं मैं बता देता हूँ बता दे मैं तो सरप्राइज देने के चक्कर में था किसको देखने वालों को हाँ देखने वालों अच्छा चलो ठीक है फिर सरप्राइज ही सही आपको जाके पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं हम सुना वो बकर मेरी परफ्यूम लगा आए हो कोई परफ्यूम नहीं लगा क्यों जाके मेरे कमरे में रोज परफ्यूम मेरी चोरी करते हो लेके भी तो मैं ही आया था पैसे तो मैंने दिए थे लेके आए थे आप क्या लेके आए हैं दुकान से ईशा हम लेके आए हैं फूल और शुक्लादा चॉकलेट किसके लिए मेरे लिए नहीं आपका टाइम भी आएगा अभी मम्मी अपना टाइम भी आएगा अपना टाइम आएगा अभी हमने गाड़ी भी चार्ज करनी है बाकी लोग हमसे पहले पहुंच जाएंगे हम थोड़ा लेट पहुंचेंगे चलो शाह भाई जल्दी करो जल्दी बाकी सारे हमारा इंतजार कर रहे हैं और गुस्से में होंगे इस वक्त लेकिन शैंदिस जो है वो लास्ट में आता है सेलिब्रिटी है वाह वाह कौन है इधर ईशा या आप मैं क्या और मास्क वगैरह पहन लें क्योंकि अंदर नहीं जाने देते जब तक मास्क ना पहनना हो तो हम एक्चुअली मौजूद हैं शालीमार पे मैं ज़्यादा आपको इसलिए नहीं दिखा सका क्योंकि काफ़ी लोग हैं यहाँ तो रश काफ़ी है बस तो मैं आपको अपनी प्लेट दिखाने लगा हूँ बुफे इधर जा रहा है तो मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह अपनी प्लेट बनाने की कोशिश की है लेकिन देखें कैसी है फिर मैं आपको ईशा की प्लेट भी दिखाऊँगा फिर आपको पता चलेगा कौन ज़्यादा खाता है ये है मेरी प्लेट ये है ईशा की प्लेट ये है आयशा की प्लेट आयशा चावल किधर है अच्छा छुपा के रखे हैं और आप देखिए शुएब की प्लेट अल्लाह शुएब आपने तो सारे लूट लाए हो नहीं नहीं काम नहीं है आपने ज़्यादा लिए ये मैं काट दूंगा जो आपने कहा है ना कि मैंने ज़्यादा लिया वो नहीं मैं डालूंगा तो अभी मैं ज़रा आराम से खाना खा लूँ आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें
ईशा आपको पता है इधर गोलगप्पे भी पड़े हुए हैं, तो बड़ी बात है कि आप लोगों ने गोलगप्पे नहीं लिए, क्यों? खाने के बाद वो तो स्टार्टर होता है ना। शेव आपको भी गोलगप्पे पसंद नहीं है? नहीं नहीं, बहुत पसंद है आपको। अभी हमारे पास व्लॉग में एक सबूत भी है। अच्छा, पता है एक व्लॉग में आप बना रहे थे और खा रहे थे। कितना खाते हैं ये लोग, दो दो बार जाके ले रहे हैं, तीन तीन बार। मैं बेचारा एक बार। अच्छा, कितना खाते हैं आप लोग? व्लॉग में नहीं आएगा। देखें मैं खा चुका हूँ सर, और ये अभी तक सारे स्टार्ट हुए हैं। अगर आपने इनवाइट करना हुआ तो इनमें से किसी को ना इनवाइट कीजिएगा, सिर्फ मुझे इनवाइट करें, मैं थोड़ा खाता हूँ। भाई मंसूर ईशा को भी वो लोग चार पांच बार ले आएंगे, ईशा अभी भी खा जाएगी। अब मेरी नज़र खीर पे है, खीर और जलेबी है मीठे में। ईशा मेरे लिए खीर लेके आई, इतनी थोड़ी ईशा, इतनी थोड़ी खीर लेके आई हो मेरे लिए। मैंने कहा अगर आप और चाहिए तो आप ले आएंगे। ईशा ये अच्छी बात नहीं है। वसीम भाई ने कहा था कि मीठे की अलग से जगह होती है, तो इसलिए फिर मेरे पास में मीठे की जगह वैसे भी बहुत ज्यादा है। हां कि मैं भी खाने लगा। अच्छा इसलिए कि भाई वसीम शायद ने कहा कि जगह होती है, बहुत मजे खाए। ये धोखा नहीं चलेगा। नहीं खाया, नहीं खाया। अभी बकर ईशा का बर्थडे जो है वो इसी रेस्टोरेंट पर हमने सेलिब्रेट किया था अगस्त में। खाना इनका बहुत अच्छा होता है, मज़े का खाना, मज़े का था ना खाना। क्या कह रहे हो अब बकर, क्या कहा था आपने? मैंने कहा इसी रेस्टोरेंट पर आप लोगों की सालगिरह मनाई गई थी। मैंने कहा किया होगा, हमें तो याद नहीं। आप लोग याद नहीं ना रखते, यही तो मसला है। आपको याद है? डायलॉग कसम बेचारी घबरा गई है, बेचारी घबराई गई है। खाना खा के अब हम निकले। बकर कैसा था खाना? खाना बहुत मजे का था, बहुत मजे का था। और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। गाड़ी में पता नहीं चार्जिंग होगी या नहीं होगी, ये हमें पता नहीं। घर तक पहुंचाएंगे हमें या रास्ते में रखेंगे? टेंशन, हम आपको लाइव अपडेट रखेंगे कि क्या हो रहा है हमारे साथ शेव की वजह से। 7% और अगर शेव ने इस बैटरी में घर पहुंचा दिया तो इसको शाबाश मिलेगी और केक भी मिलेगा, कोई मसला नहीं। 6% रह गई, हम 6% अब गायब ही हो गया, उन्होंने परसेंट ही गायब कर दिया। इतना थोड़ा ये थोड़ी होगी बैटरी। अब शेव भी अपनी शर्त हार चुका है, नहीं अब चार्ज करनी पड़ेगी ये गाड़ी। इस बैटरी से घर नहीं पहुंचेंगे। A few moments later, हम एक जगह चार्जिंग के लिए आए, वहाँ चार्जर खराब है। मैंने तो इसको पीछे कहा था। बकर का बेचारा टेंशन से बुरा हाल है, रोने वाला हो रहा है वो। क्या बनेगा आज हमारा शेव आपकी वजह से? नहीं नहीं, घर पहुंचेंगे, घर पहुंचेंगे हम या नहीं पहुंचेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जल्दी चलाओ जल्दी, बस वाले हमारी गाड़ी नहीं रुक सकती, प्लीज। बकरी बस ले लेते हैं ना। क्या दिखा रहा है आप? जीरो जीरो, कोई नहीं, ठीक है हम पहुंचेंगे। मक्का फिक्र ना करो, यहाँ से पैदल चले जाएंगे। दूर तो नहीं है, कल भी इधर से पैदल ही गया था जब मैं लेने आया था ना मोबाइल। तो अब तो तुम्हें आदत हो गई है ना पैदल चलने की, तो चले जाएंगे। नहीं, इतनी सर्दी यार। नहीं, नहीं, कोई नहीं यार, बकरे क्या करें, शेव ने हमारे साथ धोखा किया। नहीं नहीं आज ठीक रहा है, आज ठीक रहा है, वैसे पहले ठीक नहीं होता था ना। हाँ हाँ बकर तेरे जेड़े दुख ने ना सांझे ने सांझे। A few moments later, almost घर पहुंच चुके हैं। घर के सामने आप घर वालों को कह दिया है गैराज का दरवाजा खोल दें क्योंकि गाड़ी फौरन चार्ज करनी है ना। जी
तो शेव को शाबाश मिले या ना मिले ये बाद में फैसला करेंगे हम। गोल में कम से कम होगी किसके साथ करना क्या आज शेव तैयार हो जाती हुए भी और आते हुए भी टेंशन नहीं बकर बहुत टेंशन में था नहीं इतनी भी नहीं हुई ठीक रहा है पहुंच गए घर हम पहुंच गए उनने कॉल भी दी है ये अंदर गए हम यस कितनी टेंशन हुई बकर बताना जरा धक्का तो नहीं लगाना पड़ता मैं दुआ करता आया हाँ तुम्हारी दुआएं बहुत ये लागी हाँ जी तो हम पहुंच चुके हैं अब घर मजा आया खाना खा के भी एंजॉय किया फैमिली के साथ और अब घर में थोड़ा गपशप करेंगे और रात 12 बजे जब एक्चुअली दिला भाभी की बर्थडे जो है वो स्टार्ट होगी रात 12 बजे तो उनको फिर विश करेंगे तो जो नेक्स्ट हफ्ता है उसमें मेरी सालगिरह है तो अगर आप में से कोई मुझे विश करना चाहे तो मतलब या खुशी होगी जाहिर है तो विश करना ना भूलिएगा थैंक यू सो मच इतने अच्छे बर्थडे सेलिब्रेट करने का इतने अच्छे गिफ्ट्स का फ्लावर्स का सब कुछ का बस बस हैप्पी बर्थडे थैंक यू सो मच इतने अच्छे सरप्राइज के लिए हर चीज़ के लिए आपके प्यार के लिए एक वंडरफुल फैमिली के लिए और एक शर्मीले शौहर के लिए ईशा तुसी जा रहे हो बस ना जाओ असी चलने हैं तुसी ना जाओ तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ सुनाओ ईशा फिर कैसा रहा आपका ये विजिट इस बार का नहीं नहीं हमेशा की तरह एक 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 वर्ड में डिस्क्राइब करें अल्लाह का फंतास्टिक अपनी लाइफ फंतास्टिक अभी आप जा रही हो उदास तो नहीं है खुश हो कि जा रही हो इधर से हमने इतना तंग किया चलो कोई नहीं हम भी धक्के मार के निकाल रहे हैं अब बुलाए मैं वापस आ जाऊंगी नहीं अब हम खुद आएंगे मम्मी आप खुश है ना ईशा जा रही है कितना तंग करती थी ना बड़ा तंग करती है जब आती है तब भी खुश होते हैं जब जाती है तब भी खुश होते हैं
आदिला भाभी जो हैं वो अपने मेके गई हैं और जुल्फी भाई जो हैं वो अपने ससुराल गए हैं। ये अलग बात है कि दोनों का मतलब एक का मेका दूसरे का ससुराल एक ही है। कल हमने उनकी सालगिरह इधर मनाई थी, आज एक्चुअली उनकी सालगिरह वो अपने घर वालों के साथ भी मनाएंगी, तो वो डिनर जो है वो उधर करेंगे। ईशा भी चली गई है तो हम जो घर में बाकी रह गए हम बनाएंगे आज पिज्ज़ा। ये क्या हो रहा है स्वीट्स भाई, आयशा में पिज्जा भी बन रहा है आजकल, नमकीन काम भी करती है। स्वीट्स फिर क्यों है, नमकीन भाई आयशा होना चाहिए ना फिर। हाँ दो स्टार्ट कर ले, एक और प्रोफाइल बना लो फेसबुक। तो आयशा मैचिंग क्यों की हुई है मेरे साथ तुमने, देखो मेरे जैसे ही मतलब इतना प्यारा भाई है बस कभी गुरूर नहीं किया मतलब करना भी नहीं है, नजर लग जल्दी आज तक लगी नहीं। तो भूख लग रही है मुझे बस, कितनी देर लगेगी पिज्जा में, आधा घंटा लगेगा। किसको मिस कर रही हो आप, अदीला भाभी वो पता है वो उधर डिनर कर रही है अच्छा सा ऐसे मतलब हैवी डिनर, और वो हमें मिस नहीं कर रही है। मुझे जल्दी इसलिए आ जाएंगी कि उन्होंने निकाल देना है ना उनको घर से। सालगिरह मुबारक हो। वालेकुम सलाम। तक तो आप तो आपको आज इतना अच्छा डिनर करते हुए हमारा ख्याल नहीं आया, हम बेचारे इधर पिज्जा खाएंगे। मैं भी पिज्जा खा के आई हूं। अच्छा उधर भी पिज्जा था, उधर भी पिज्जा, वाह इसको कहते हैं हसीन इत्तफाक। तो हम आपकी सालगिरह की खुशी में आज काटेंगे पिज्जा। पिज्जा खाने की तैयारी हो रही है और जो लोग पिज्जा खा के आए वो सबसे पहले बैठे हुए हैं। ये खुला तजाद नहीं है, नहीं उधर से भी खा के आई हैं आप, इधर भी मैं अपना हिस्सा बचा के लाई हूं। बचा के इधर तो नहीं लाई है, मतलब पेट में जगह रख के। अच्छा 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 आप भी खाएंगे इधर भी पिज्जा? नहीं आप तो ससुराल गए हुए थे ना। आप राजपूत आए हैं, आप अपने मेके गई हुई थी ना ससुराल वालों ने उनको पूछा, मुझे तो किसी ने पूछा ही नहीं। मतलब आपकी अहमियत उस घर में नहीं है, आप इधर ही है, इधर ही रहा करें ना जाया करें। हाँ जी तो एक्चुअली मेरा प्लान था कि पिज्ज़ा के बाद हम आपस में कुछ दिल की बात करेंगे, लेकिन खाने के बाद हम बैठ के करते रहे गपशप, टाइम गुजर गया बहुत और अब हो गई है काफ़ी रात और मैंने जाना है सुबह काम पे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब व्लॉग का एंड किया जाए, सोया जाए और जो दिल की बातें हमने करनी है वो हम करें अगले व्लॉग में। ये जो ज़रा मुख्तलिफ एंगल्स बदल बदल के मैं शॉर्ट्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये मैं एक्चुअली सलमान हाशमी भाई की नकल नहीं कर रहा हूँ। उनका जो व्लॉग था, दो जो रिसेंटली दो व्लॉग आए हैं माइंड ब्लोइंग थे। तो अगर आपने मतलब ज़बरदस्त किस्म की टॉप क्लास एडिटिंग स्किल्स, स्टोरी टेलिंग, कैमरा वर्क देखना है तो आप सलमान हाशमी भाई का व्लॉग जाके जरूर देखें। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़।